बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुबशर एंड जाहिद व्लॉग चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो आज का व्लॉग भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बिल्कुल जो है यूनिक व्लॉग है। तो आज के व्लॉग में हम एक और करोड़ की जो है एक नई जगहों को हम जो है डिस्कवर कर रहे हैं आप लोगों के और लिए, अभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। जगह भी नहीं है, बन भी रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगी। तो आज जो है हम आपको करोड़ की जो है तीन मेन जो अंडर डेवलपिंग है और जो करीब 3-4 साल में जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त टाउन बन और जाएंगे, यहाँ पे लोग ही लोग होंगे। लोग ही लोग होंगे और यहाँ पर जो है बहुत मौका होगा करोड़ की आवाम के लिए कि वो अपने घर लेना चाहें, अच्छे प्लाट्स लेना चाहें तो यहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार और क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और इस वीडियो में हम आपको टाउन्स का कंप्लीट ओवरव्यू भी देंगे, सारा रोड्स दिखाएंगे, अच्छे अच्छे घर भी बने हैं वो भी दिखा देंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर विज़िट करें इन टाउन्स का। हाँ, और बहुत ही अच्छे टाउन्स हैं तो आपको विज़िट कराते जाते हैं। तो अब ये जो है हम लोग मौजूद हैं इस फतेहपुर रोड पे जो है अब्दुल वाहिद ग्रीन टाउन के नाम से ये जो है टाउन है। प्रोजेक्ट है। हाँ, Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें प्लाट्स अवेलेबल हैं, अगर आप देखना चाहें और अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हों तो विज़िट कर सकते हैं आप। काफ़ी यहाँ सेल भी हो गए हैं और काफ़ी अभी हैं भी, और भी इन्होंने जगह जो है काफ़ी ली हुई है क्योंकि बहुत अच्छी कॉलोनी चल गई है, काफ़ी घर हैं। तो आपने वीडियो में देखा होगा यार, रोड्स भी कंप्लीट हैं, तकरीबन तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, सीवरेज का निज़ाम जो है और शॉप घर बने हुए हैं। आपको ये नज़र आ रहे होंगे, आपको दिखाते हैं, ये देखें। और अभी काफ़ी घर बन भी रहे हैं और मुबशर भाई का एक फेवरेट घर है यहाँ पे जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्यों मुबशर भाई? ऐसे ही है, वो भी दिखाते हैं आपको। तो मुबशर भाई बताएं फिर कौन सा है वो? वो पीछे नज़र आ रहा होगा। हाँ वो आपको नज़र आ रहा है, वो पीछे नज़र आ रहा है ये वाला। मुबशर भाई कहते हैं बहुत माशाल्लाह प्यारा बहुत है, बहुत प्यारा प्यारा बनाया हुआ है उसकी जो है। चले आपको दिखाते हैं, ये देखें घर बने हुए हैं और ये माशाल्लाह इस कॉलोनी की मस्जिद बन रही है माशाल्लाह। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है मुसलमानों के लिए। वन वे भी बना हुआ है और सामने जो है वो मार्ट टाइप मार्केट्स बन रही है ताकि कॉलोनी के लोगों को दूर ना जाना पड़े। मतलब काफ़ी सहूलियात जो हैं दी गई हैं, अभी तक तो हमें यही नज़र आ रहा है। जब ये फुल डिस्कवर्ड हो जाएगी सामने देखें, बहुत ज़बरदस्त ये घर है, मुबशर भाई का फेवरेट घर कोठी बनी हुई है। ये देखें इसकी असल में आर्किटेक्चर बड़ा प्यारा है, इसका डिज़ाइनिंग और इसकी बनावट बहुत खूबसूरत है। ये आप लोग भी देख रहे होंगे, आपको भी खूबसूरत लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। और जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक देखें, पहले बाद में बात करते हैं, देखें इलेक्ट्रिसिटी का पूरा निज़ाम है इधर और काफ़ी अच्छी कॉलोनी है और काफ़ी प्लाट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है मैरिज हॉल की, मैरिज हॉल भी है, वो भी इंशाल्लाह आपको पूरा दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कवर करेंगे। और मतलब इधर स्कूल भी है जो आपने देखा होगा वीडियो, ये देखें लॉक विरसा है जी, आपको इसका भी कम्प्लीट व्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह जल्द ही। यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है स्कूल की और वो आप लोग देखेंगे वीडियो में जब हमने पूरे ग्राउंड कॉलोनी में ये टाउन में घुमाया आपको। बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है,
बड़ा ही ज़बरदस्त डेवलपिंग एरिया करोड़ लाली सिंध शहर का। ला मंडी है जी, यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, काफ़ी है माशाल्लाह, बड़ी है। यार दूसरे टाउन्स में हम आ चुके हैं, देख रहे हैं आप, तो आपको पहले थोड़ी शॉर्ट वीडियो देखी होगी उसमें भी। इस गार्डन का नाम है बिस्मिल्ला गार्डन, मतलब दूसरा टाउन है सिटी के बिल्कुल पास, ये फतेहपुर रोड पे है, थोड़ा उस जो पहले टाउन दिखाया था उससे थोड़ा है, 1-2 किलोमीटर आगे है। और ये भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन अभी यहाँ इतनी यानी कि प्लाट्स सेल नहीं हुए, लेकिन ये हो जाएंगे, 1-2 घर बना हुआ है। और यहाँ का स्ट्रक्चर अच्छा, मतलब वन वे पे लाइटिंग और इंट्रेंस आपको दिखाते हैं। इसके मेन वजह मज़ा जो है ना, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल दीवार बिल्कुल साथ है, जो यूनिवर्सिटी बननी है कुछ अच्छे तक। हमने वीडियो आपको एक बनाई भी थी यूनिवर्सिटी ऑफ करोड़ का विजिट जो है प्लांट नर्सरी वाला, इसका मतलब है कि इस टाउन को बहुत फ़ायदा होगा यूनिवर्सिटी बनने का। यूनिवर्सिटी की वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आई बटन में लगा दूंगा, आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ पर अगर और कुछ नहीं तो हॉस्टल यहाँ बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वहाँ रह सकते हैं, मतलब काफ़ी फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। ये भी अंडर डेवलप्ड है काफ़ी, दिखाता हूँ आपको, लाइट्स भी लगी हुई हैं जो कि खूबसूरत है। यहाँ की लाइट्स देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है यहाँ के एक इंटरेस्ट और लाइट्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी लाइट्स यार। और ये जो है गोल चक्कर है, मेरा ख्याल यहाँ कोई शायद कोई मेरा ख्याल फवारा चौक टाइप बनाना है या कोई चीज़ तो बनाएंगे, या फिर मिनी पार्क बनाना होगा बच्चों के, कुछ होगा ये। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये जो है डिवेलप हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ करोड़ बनने के बाद ये काफ़ी हाई रेटेड में मेरे ख्याल जो है। सामने जो दीवार है इसकी उस साइड पे यूनिवर्सिटी ऑफ करोड़ बन रही है, और मेरे ख्याल से अगर अकलमंद शख्स तो वही होगा जो अभी एक अदा प्लाट लेके रख ले, जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो हॉस्टल। ये देखें कर सकता है। छोटा है टाउन्स, लेकिन नहीं अभी छोटा नहीं है, अगर ये चल जाता है तो पीछे काफ़ी ज़मीन है वो करके कर सकते हैं, अभी तो स्टार्टर है। खैर यहाँ पर इतना रेट भी नहीं होगा, जो पहले कॉलोनी दिखाई है उसका 2 लाख पर मरला है। ये देखें रोड भी बन रहे हैं यार, और यहाँ का जो है ज़्यादा होगा 1 लाख होगा या फिर 80-70 हज़ार ऐसे ही होगा, इस तरह ज़्यादा नहीं है। तो यार ये है यहाँ का तीसरा टाउन, शहबान ज़हीर गार्डन टाउन, यहाँ ये पार्क है, ये यहाँ का जो है पार्क बनाया हुआ है लोगों के लिए अट्रैक्शन के लिए, जो है बच्चे यहाँ पर इस कॉलोनी, ये आपको पार्क क्लोज से भी दिखाएंगे, इर्द गिर्द दरख्त लगे हुए हैं यार। तीनों टाउन में सबसे ज़्यादा और ख़ूबसूरत जो है इसका फ्रंट आपने देखा है, इसका वन वे जो है बहुत अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी कॉलोनीज बनी है डेवलपिंग में भी हैं। यहाँ पे आते आते हमें अंधेरा हो गया, इसलिए यार थोड़ा सा अंधेरा आपको वीडियो में नज़र आएगा। ये देखें इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है, इसकी वन वे इर्द गिर्द दरख्त, ग्रीनरी बड़ी अच्छी है इससे, ये प्लाट्स काफ़ी पड़े हैं इधर, ये देख इधर काफ़ी अवेलेबल हैं, उधर ये अभी बन रहे हैं, ये देखें मकान उठा लेते हैं आपको, ये देखें मतलब के टाउन्स आबाद होना शुरू हो गए हैं, ये देखें ये देखें यहाँ पर वो भी घर बने हुए हैं, थोड़े बने हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, काम जारी है यहाँ पर, और बहुत अच्छा टाउन है ये।
ये देखें, ये बच्चों को खेलने के लिए यहाँ जो है झूले भी लगे हुए हैं। ये देखें, आपने हमें एक दो वीडियोस में देखा होगा यहाँ पर। आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया करोड़ के अंडर डेवलप्ड तीन टाउन्स, मेजर टाउन्स, और बहुत ही ये खूबसूरत हैं और ये बहुत जल्द एक दो साल में जो है डेवलप हो जाएंगे। हमने सोचा क्यों ना करोड़ के जो है जो फ्यूचर के जो टाउन्स हैं और बहुत अच्छे टाउन्स हैं। अंधेरा हो चुका है काफ़ी, आप देख सकते हैं यार वीडियो में। आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाई है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करते करें और जो हमने कंपेन शुरू की हुई है 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दें, आप लोगों ने ही करवाने हैं। तो ये करोड़ के टाउन अगर आपको अच्छे लगे हैं तो यार इसी वजह से आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए पीछे मकान बन रहा है, आवाज़ आ रही है, तो मेरे को लेंटर डालने वाली मशीन आई हुई है, उसकी आवाज़ है काफ़ी। तो ये था आज का व्लॉग। वीडियो को यार ये एंड करने से पहले मशर भाई थोड़ी सी अर्जी है कि लाइक कर दें वीडियो अच्छी लगी है, आपके अपने टाउन हैं यार, विजिट आपने कभी ना कभी तो किए ही होंगे, फैमिली वाले तो आते ही होंगे, तो सपोर्ट करें एंड शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, अगर किसी ने लेना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो देख के जो है एक ओवरव्यू अपने घर वालों को, जैसे आप नहीं दिखा सकते लेकिन इस वीडियो के जरिए आप लोग घर वालों को भी दिखा सकते हैं कि ये जगह है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें कहा यार विजिट करें, अपना सिटी दिखाएं। मुशर भाई को काफ़ी पर्सनल मैसेजेज आ रहे हैं, लाहौर के दोस्त हैं इनके, उन्होंने काफ़ी पर्सनल मैसेजेस किए हैं कि यार अपना सिटी दिखाएँ, इर्द गिर्द की जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं करोड़ में वो ज़रूर दिखाएँ। तो हमने कोशिश की है इस वीडियो में दिखाने की, तो उम्मीद मिलते करते हैं आप अच्छा लोगों से अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आ रहा है तो वही दोबारा तकरीर है हमारी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन सा टाउन आपको अच्छा लगा है। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।